हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप्राइज ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, थोड़ा सा उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन। आज हम उसी न्यूट्रिशन को थोड़ा सा इलैबोरेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में लाइफ क्या होती है, लाइफ की प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, न्यूट्रिशन किस तरह के होते हैं। तो हमने पढ़े थे दो तरह के न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। अब हम एक एक न्यूट्रिशन को प्रॉपरली अच्छी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना, ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, ओन फूड या सेल्फ प्रोसेस, अपने आप करना। कौन करता है ये? दीज आर प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स। इन ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, या हम इनको प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो हमने इनको ऑटोट्रॉप्स भी बोला है और प्रोड्यूसर्स भी बोला है। पर क्वेश्चन है कि ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्या रीजन है जिससे ये बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं? ये खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। By the process of photosynthesis. अब हमें समझना क्या है कि ये photosynthesis process होती क्या है। तो बच्चों, photosynthesis का मतलब है, पहले हम इस पूरे word को लेते हैं, photosynthesis। Photo का मतलब होता है light, synthesis का मतलब होता है make, यानी बनाना। तो light कौन सी light? It's a sunlight, light from sun। जो लाइट हमें सन से मिलती है, इसका मतलब प्लांट्स अपना खाना लाइट की हेल्प से, फ्रॉम द सन, अपना खाना खुद बना रहे हैं। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि सन लाइट से वो खाना बना रहे हैं, लेकिन एक सन लाइट ही नहीं है कि जिससे वो प्लांट्स खाना बनाएंगे, और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और भी फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स के लिए जरूरी हैं। सबसे पहला फैक्टर हम फोटोसिंथेसिस में लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं फैक्टर्स फॉर ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हम एक एक को, कहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, वो हम एक एक चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट जो हमें सन से मिल रही है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द क्लोरोफिल। These are the factors of photosynthesis. अब हमें देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, वाटर कहाँ से मिल रहा है, सनलाइट कहाँ से मिल रही है, और क्लोरोफिल क्या है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था प्लांट, प्लांट की बॉडी यानी रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ, प्लांट्स के पार्ट्स हैं रूट, स्टेम और लीव्स। हमें पता है रूट्स कहाँ पे होती हैं। रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर होंगी। क्या करती क्या है रूट? रूट्स के अंदर एक सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम सेल्स। रूट पानी कहाँ से लेंगे हम? रूट से। रूट्स के अंदर जो सेल्स हैं दैट इज जाइलम। जाइलम सेल्स क्या करेंगे? ये पानी को सॉइल से लेकर लीव्स तक पहुंचाते हैं। मेन काम किसका है? रूट्स के अंदर जो सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड जाइलम सेल्स। दीज आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। रूट्स
आपने देखा होगा, हम कई बार देखते हैं कि हम पानी जो है वो गमले में नीचे डालते हैं सॉइल की तरफ. सॉइल के अंदर क्या है? मिनरल्स. रूट्स क्या करेंगी? वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, फिर उसी से वाटर जो है जाइलम के थ्रू, क्योंकि जाइलम इज द बेसिकली फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जाइलम सेल्स रूट से वाटर को कहाँ तक लेकर जाएंगे? लीव्स तक. अगर हम इसको थोड़ा सा और एडवांस करें तो ये जाइलम सेल इस रूट से लीव्स तक को पानी ले जाने वाले जाइलम सेल्स को एक थ्योरी दी गई थी, डिक्सन थ्योरी या कोहेजन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, मतलब पानी को खींचना. जैसा कि आपने देखा होगा कुएं से जब हम पानी को खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं? बकेट को डालते हैं तो हम प्रेशर लगाते हैं, वैसे ही रूट से प्रेशर ऊपर लीव्स तक जो प्रेशर लेकर जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, या जाइलम सेल्स के थ्रू पानी जो है वो रूट से लीव्स तक जाएगा. अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आएगी? लीव्स में आएगी. कैसे आती है? देखिए, लीव्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमा. स्टोमा इज अ सिंगुलर वर्ड, और अगर हम इसका प्लूरल वर्ड देखें दैट इज स्टोमेटा. ये है स्टोमेटास. इन स्टोमेटास के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं. गार्ड सेल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे जो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटास के अंदर जो गार्ड सेल्स हैं उनके पोर्स में एक्सचेंज होगी. उसके बाद जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों मिलेंगे सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल पिगमेंट, ये बेसिकली एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है प्लांट्स के अंदर. एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये क्लोरोफिल हमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट से. ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है? लीव्स के अंदर है. ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? क्लोरोफिल देगा, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब ये पूरी प्रोसेस में ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं तो एक बेसिक इक्वेशन बनती है. उस इक्वेशन को, ये एक रिएक्शन है. इक्वेशन कौन सी है फोटोसिंथेसिस की? ये देखिए, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से एक प्रॉपर रिएक्शन होता है तो जो मिलता है दैट इज C6H12O6. इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. इसको मैं यहां लिख देती हूं ऑक्सीजन. मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताई कि लीव्स को लीव्स से लेंगे, वाटर कहाँ से लिया? रूट से. सनलाइट हमें सन से मिली, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ से मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट से मिल रहा है. जब ये पूरा रिएक्शन होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी ग्लूकोज के फॉर्म में. अभी हमने एक इक्वेशन की थी 6CO2. क्या किया था हमने अभी कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दे गिव ग्लूकोज. द फॉर्मूला इज C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. देखिए, फोटोसिंथेसिस में हमने बोला कि CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है हमें? लीव से. कैसे मिलती है? ये देखिए, एक स्टोमेटा का डायग्राम है. ये हैं गार्ड सेल्स. ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं. इन पोर्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर रहती है. रूट से पानी जो है ऊपर की तरफ जाएगा. कौन से सेल्स बताए थे? जाइलम. जाइलम से पानी स्टेम, स्टेम से लीव्स तक जाएगा. पानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हमें स्टोमेटा से मिल गई. ये दोनों जब मिक्सअप होंगे और ये सनलाइट जब पड़ेगी तो इसके जो आपका लीफ का जो बेसिकली ग्रीन कलर है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. जब ये प्रॉपर रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज, यानी आपके कार्बोहाइड्रेट्स. C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश एयर. जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज, इसको हम सेकेंड नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स.
अब होता क्या है, जब लीव्स ने खाना बना दिया तो लीव्स से खाना कहाँ जाएगा, स्टेम, स्टेम से रूट्स। लेकिन खाना बनाने वाले भी एक सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, जाय का मतलब होता है वाटर, ठीक है, जाय से वाटर, फ्लोएम से फूड। अगर नहीं याद होता, कई बार बच्चे हम लोग कंफ्यूज करते हैं, तो फ्लोएम का फ से मतलब फूड, तो फ से फ्लोएम, तो इसका मतलब लीव्स जब खाना बनाएंगे तो वो फ्लोएम सेल्स जो होंगे वो स्टेम, स्टेम से रूट्स। अब ये खाना कौन से फॉर्म में है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लूकोज जो है वो सारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम प्लांट बॉडी। अब जो तो ट्रांसफर होना तो हो गया, लेकिन एक फॉर्म रहेगी दैट इज कॉल्ड स्टार्च। जो खाना तो ट्रांसफर हो गया, जो उसने प्लांट्स ने अपने अंदर स्टोर कर लिया इस फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं स्टार्च। ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च हम लोग लेते हैं जब हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होंगे, जो भी हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हमारे अंदर क्या जाएगा, जाता कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, लेकिन किस फॉर्म में जाते हैं, स्टार्च की फॉर्म में जाते हैं। तो ये जो स्टार्च है दैट इज, ये जो हमें क्या दे रही है, ये हमें दे रही है फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह से एनर्जी दे रही है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं, कौन बनाता है, पहली चीज तो है ग्रीन प्लांट्स। कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के हमने फैक्टर्स पढ़े, वाटर, आपकी सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें लीव से मिलते हैं, बेसिकली स्टोमेटास होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल हमें क्लोरोप्लास्ट से मिलेगा, वाटर हमने रूट से लिया। ओवरऑल एक प्रोसेस में रिएक्शन होता है, उसमें जो रिएक्शन है उसमें हमारे को ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर होगा, और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और यही स्टार्च जो है हम लोग क्या लेते हैं एज ए एनर्जी। अब एक चीज, अगर हमें पता करना है कि लीव्स के अंदर स्टार्च है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, या हम एक टेस्ट करते हैं, हम इसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट में अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो मींस उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट्स के अंदर क्या है, आपका स्टार्च। जैसे आपने देखा होगा घर में हम आलू छीलते हैं, आलू छीलने के बाद उसको थोड़ी देर के रखते हो तो वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। क्यों क्यों ब्लैक होता है, रीजन बीइंग क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होता है। इसका मतलब कैसे करते हैं, ये एक टेस्ट है, जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि लीव्स को लिया, कोई भी लीफ लिया, उसको हमने थोड़ी देर पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही पानी के अंदर डाला, उसको थोड़ी देर के लिए हम उबाल लेंगे, वो अपना कलर छोड़ देगा। जब वो लीव ने कलर छोड़ा, उसके अंदर हम थोड़ा सा ये वाला पिगमेंट डाल देंगे, दैट इज आयोडीन। हमने जैसे ही आयोडीन डाला, अगर उस लीफ ने, जैसे ही आयोडीन डालने पे अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, इट मींस कि दैट लीफ कंटेन्स स्टार्च। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा और उसकी एक पूरी प्रोसेस पढ़ी है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब हमारा एक और टॉपिक है हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब, जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो इसके तीन चीजें, तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स से समझो हर्ब, हर्ब्स मतलब प्लांट्स। तो कौन प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, इनको हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स कौन हो सकते हैं, काउ, एग्जाम्पल इज काउ। देन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स का मतलब है फ्लैश ईटिंग, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो फ्लैश खाते हैं, काफी सारे हैं, जैसे आपका लायन, टाइगर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। एंड लास्ट वन इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब है जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो इससे बेस्ट एग्जाम हम लोग ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स। ह्यूमन बींग्स क्या है, ओमनीवोर्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमने दो तरीके से न्यूट्रिशन पढ़ा है, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट डिपेंड्स ऑन अदर्स, और उसके मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। एक और प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में, जिनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स, ये अपना खाना नहीं बना सकते लेकिन ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है पिचर प्लांट, आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा पिचर प्लांट। आपको पिचर का मतलब पता है, पिचर मींस घड़ा। तो जो एक प्लांट बॉडी होती है जो प्रॉपरली पिचर की तरह होती है, उसमें क्या होता है कि इंसेक्ट्स क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए ये एक पिचर है, इसमें क्या होगा जैसे एक इंसेक्ट आएगा पिचर क्या करे, इसकी एक लिड होगी, ये लिड बंद हो जाएगी और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। इट मींस कि इंसेक्टिवोरस दोज प्लांट्स व्हिच ईट्स ओनली इंसेक्ट्स। द बेस्ट एग्जांपल इज पिचर प्लांट एंड लास्ट वन इज फीनस वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दो प्लांट्स है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, एक पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। अब यहां तक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा पूरे सिस्टम्स पे, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, और अगले टॉपिक में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।